हे जगतर नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। हे एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल लिलीगिरी ब्लॉग। फ्रेंड आप लोग कैसे, आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अभी ठीक हो गई हूँ, धीरे धीरे से बाल भी धो ली हूँ, लेकिन थोड़ा सा गला का जो कैसे चेंज हो रहा है वॉइस, देखिए तो बने रहिए वीडियो पर। इतने दिन से सर्दी जुकाम हो रहा था ना, मैं क्या करी ना, मैं सोची जुकाम हो रहा था, नाक जाम हो रहा था, तो मैं सोची चलो टैबलेट वगैरह सब खाई थी। और मेरी माँ क्या करी ना, देखिए बेटी अभी 9 बज गया है घंटे, और ब्रश कर रही है उस टाइम उठ कर। तो मेरी माँ मुझे जो हमारा गांव की नुस्खा है, गांव चावल में देखिए निकाल रही थी, गांव की नुस्खा में जो कहते हैं किसी पलाश फूल की जो रूट्स होता है ना, उसी में मुझे गर्मी के लिए जो मेडिसिन बना दी थी, तो वही मेडिसिन मैं खाई। तो मैं सोची बाल धो दूँगी तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। तो ये देखिए मैं क्या करी ना, बाल भी धो दी हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। अभी नाक तो जाम है, अभी जो कप वगैरह सब होता है अगर, और सुबह तो सब्जी को कटिंग करके रख दी थी। और ये क्या करी ना, हमारा सरसों पेस्ट को, सरसों को भी पेस्ट कर दी थी, सरसों की बनाई थी, बनाने वाली थी, और सब्जी तरह तरह की बनाने वाली थी। मेरी बेटी के साथ ऐसे हमारा मजाक चलता है हमेशा। बाल भी धोती हूँ तो अच्छा लग रहा था, जैसे बार कहीं से सर्दी की गोली वगैरह सब लोगे तो बार बार लोगे, और 2-3 दिन बाद बाल धो दोगे तो जो सर्दी जुकाम होता है ना वो ठीक हो जाता है। तो ये पोई है, मुझे लेट हो रहा था तो मैं क्या करूँ, वैसे तो बारिश हो रहा था, बारिश की वजह से जो लकड़ी की चूल्हे में कुछ नहीं बना पाते हैं, और मुझे जल्दी ही बनाना है, इसीलिए मैं क्या करी ना, जो हमारा पोई के पत्ते हैं ना, पोई के पत्ते को मैं 1 सीटी आने के दे दी हूँ, और सब्जी भी 1 सीटी लाने के लिए ही दे दी हूँ, और जल्दी हो जाएगा। वैसे हमको जल्दी होना करना है तो पहले उसको 1 सीटी ला, जो हमारा कुकर में डालकर 1 सीटी दे देंगे, उसके बाद मसाला को भून के दे देंगे तो जल्दी ही हो जाएगा। तो क्या होता है उसी टाइम ही मैं सुबह का टाइम नाश्ता बनाती हूँ और खाना भी बनाती हूँ ना, इसकी वजह से मुझे जल्दी जल्दी बनाना होता है। वैसे तो बेटी बहुत लेट उठती है, और बेटी के साथ भी बातें हो रहा था, वो बोल रही थी कुछ, देखिए तो ये बेटी मैं बना रही हूँ, उसी बीच आकर उसको गर्म पानी चाहिए था, मैं उसको बोल रही थी तो तुम जो इंडक्शन में ही बना लो, तो गर्म कर लो और वो खाओ, पानी पी लो। तो ऐसे बीच में ब्रेक दे देगी तो मेरा भी टाइम लॉस होगा ना, इसी वजह से तो उसको मैं बोल रही थी इधर नहीं उधर बना। देखिए उसको भी दे दी हूँ, चढ़ा दी हूँ, और सब्जी वगैरह सब। ऐसे वैसे तो मेरा किचन में ज़्यादा टाइम बीत जाता है, और बाहर का क्या करूँ, कपड़े वगैरह। अभी माँ है तो बहुत कुछ हेल्प कर रही है, तो ये किचन का काम मेरा होता है। किचन में तो सारे लड़कियाँ, क्या होता है ना, किचन का काम बहुत होता है, खाना बनाओ पेट के लिए, तो दुनिया में सब कुछ नाट होता है ना, कहते हैं पेट के लिए होता है नाट, ऐसा होता है। तो इधर मैं चावल हो रहा था उसको उतार दी हूँ, उतार के मुझे दोनों साइड जो हमारा चूल्हे के दोनों साइड ही काम करना पड़ रहा था। इधर बना रही थी सब्जी, इधर जो पोई की सब्जी बना रही थी, इधर भाजी बना रही थी, ऐसा हुआ था। और आगे देखोगे, देखिए ये नैपकिन है, मैं बार बार कितने रखे, किचन में रहोगे तो आप नैपकिन को ऐसे टक कर दोगे तो अच्छा है। तो बार बार मुझे ऐसे आता है कमेंट, आप ऐसे जो हैंकी टक करो, हैंकी टक, ये मेरा देख लीजिए नैपकिन टक, ये कपड़े होता है किचन के, जो कपड़े होता है वही कपड़े को ऐसे तो वैसे धोना पड़ता है, और बार बार काम करोगे किचन में तो हाथ को धोना पोछना पड़ता है, तो ऐसे टक कर दी हूँ। और बेटी बोल रही थी क्या, ये देख लीजिए
पूरा बड़ होई गले नी तो मोर नातुनी हेले नी आसी की तोर नातुनी हेले जे मु की कोई करबी देखिए ये छोटी बच्ची कैसे बैठी है बेटी के साथ। बेटी तो हमेशा उसके साथ ही लगती है। कैसे बैठी है 4 महीने की बच्ची और बैठी है। और दोपहर को मैं क्या करी ना, जो अचार बनाने के लिए सारे जो जीरा सौंफ मेथी और ये हमारा मेथी उसको फ्राई कर दी हूँ, उसको ग्राइंड भी कर दी हूँ। 2 अचार बनाने के लिए मैं तैयार कर रही थी। एक है ड्रम स्टिक की अचार और वो खट्टा जो वो होता है ना उसका भी अच्छा। ये तो देखिए मिक्स कर दी हूँ और ये वो को भी करने के लिए करी थी। ये तो मतलब ख़राब होने वाला था, सूख गया था। बीच में तबीयत ख़राब हुआ ना इसी दिन नहीं करी थी। और ये गुड़ दे दी हूँ, गुड़ को पहले चाशनी बना दी, उसके ऊपर तेल देकर गुड़ दे दी हूँ और चाशनी बना ली। और ये मिक्स कर दूँगी उसके बाद जो पाउडर बनाई थी, मसाले पाउडर बनाई थी उसके ऊपर दे दूँगी। ये कुछ दिन सूख जाएगा तो हो जाएगा, लेकिन बीच बीच में तो बारिश हो रहा है अभी, देखती हूँ क्या होता है। पता नहीं इस साल शायद हमें तो बड़ी बनाने वाली थी, बड़ी भी नहीं हो पा रहा है और क्या करें। बारिश तो हमेशा अभी लगा रहता है, बीच में 5-6 महीने बिल्कुल बारिश नहीं हुआ, अभी बारिश हो रहा है। तो ये थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है, तो जो काम बाकी पड़ा हुआ है वो सब काम मैं कर रही हूँ। और देखिए कैसा हुआ है। और रसीले जो हमारा ओ की अचार बन रहा है ये देख लीजिए, उसको मैं डिब्बे में सुखाऊंगी बाहर रखकर। और टेस्टी तो ये लगता है भाई। मैं पहली बार बनाई हूँ, मैं नहीं बनाई कभी, ये पहली बार बनाई ड्रम स्टिक की अचार, ओ फटाई की अचार है। उसके बाद हम लॉन्च करके सो गए थे। और ये जो नींबू के पौधा है उसको कट करे थे, वो जो आदमी आया था ये हमारा पुराने घर है देख लीजिए। माँ सोची उसको बीच में ही काट देंगे और सीधा सीधा उठ जाएगा जब अभी रूट निकलेगा, सॉरी जो हमारा डाल निकलेगा वो ऊपर उठ जाएगा। और ये बच्ची के साथ देखिए हमेशा हम अभी मस्ती करते हैं। नाच मेरी रानी नाच 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 मेरी रानी नाच नाच छोड़ा मुती दो तो कुछ এমতি হলে বুলু থব হলে ছুটিয়া ছাড়ি অদ্ভুত ছুয়া আমি দেখে তা হলো থব পাগল হলে বল তা বেশি হলে লাগে তো বাঁতি করিয়ে জাকি দেলে Hey, he dance. Dance, baby, dance. Dance. डांस डांस बेबी डांस 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 डांस